वीडियो में नजर आता पुलिस का भारी दलबल पूरी तरह से तैयार किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में सरकारी बंदूक, ताकि अपराधियों की हरकतों का मुंह तोड़ उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके, क्योंकि यही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा आदेश है, जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाओ। पुलिस का ये भारी दलबल देख अचानक से कटघर कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल भी हुए। पथराव और फायरिंग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक के मुताबिक तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी और लोगों की तलाश की जा रही है जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि कटघर कोतवाली इलाके के दस सराय में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग एक मकान में इकट्ठा हुए हैं और वहां जुआ सट्टा खेला जा रहा है, जिसके बाद एसओजी और कोतवाली कटघर पुलिस ने वहां पर छापेमारी की। पुलिस को देख आरोप है कि दबिश के दौरान इलाके के लोगों ने पुलिस और एसओजी की टीम पर पथराव के बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी और आरोपियों ने यहां उल्टे पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं। आरोपियों का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी ने उनके घर में घुसकर लूटपाट की, महिलाओं से मारपीट कर कैश और ज्वेलरी लूट ले गए। इन आरोपों के साथ ही मुहावरा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एक सही जगह बैठ चुका है, जिससे अब उल्टे पुलिस वाले ही मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अमित आनंद भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने घर घर में घुसकर अपराधियों की तलाशी की और मौके से पुलिस ने तीन हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया। कटघर क्षेत्र अंतर्गत चौकी दसराय में जुआ और सट्टे की सूचना थी, इसमें पुलिस टीम को भेजा गया था। कार्रवाई के दौरान इन पर पथराव और गोली चलाई गई, इसमें तुरंत रिइंफोर्समेंट भेजा गया। मौके से तीन अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, इसमें जांच की जा रही है। यहाँ पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन अभी चलाया गया। कितना लोग घायल हुए हैं पुलिसकर्मी? अभी पूरी जानकारी की जा रही है, पूरी अन्य जानकारियों से आपको अवगत कराया। क्या पुराना अपराधी था कि ये यहाँ पर? इसके ऊपर कई मुकदमे भी हैं जुड़े सकते के, और इसमें अभी और भी तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जो भी तथ्य होंगे आपको। आरोपियों के आरोपों के परे ये वीडियो कुछ और ही कहानी बयां करती है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि जवाब पर कोई गोली चलाए तो उसका जवाब आप हाथ जोड़कर उसे अहिंसा का पाठ पढ़ाना व्यर्थ होता है। जरूरी है कि उसे उसी के हिसाब से गोली दी जाए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद। ये देखो गुंडागर्दी की जोड़ों को लादू की। देखो जिंदा गुंडागर्दी इसकी। हेलो हेलो। अरे रुको इनका हाथ।